बॉलीवुड इंडस्ट्री में रोमांस के किंग कहलाए जाने वाले शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान की दीवानगी सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोगों में देखने को मिलती है। अभी हाल ही में जब शाहरुख खान का जन्मदिन था तो जन्मदिन के इस खास मौके को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान का नाम भी लिखा था, जिससे ये हिसाब लगाया जा सकता है कि शाहरुख खान की सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तगड़ी फैन फॉलोइंग मानी जाती है। लेकिन ऐसे में लगातार एक खबर सामने हवा देखने को मिल रही है और ये खबर लगातार सोशल मीडिया पर आती रहती है। बताना चाहेंगे एक खबर लगातार मैं सुनने और देखने को मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने चांद पर जमीन खरीदी है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल शाहरुख खान के पास चांद पर जमीन है, लेकिन शाहरुख खान ने चांद पर जमीन नहीं खरीदी है बल्कि उन्हें गिफ्ट किया है किसी ने। बताना चाहेंगे शाहरुख खान को ये गिफ्ट एक ऑस्ट्रेलियन फैन से मिला है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक फीमेल फैन ने शाहरुख खान को तोहफे में चांद का टुकड़ा दिया है। इतने नहीं, हर साल ये ऑस्ट्रेलियन फैन शाहरुख खान को ये तोहफा देती रहती है। अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बताया जाता है कि शाहरुख खान इस फीमेल फैन से मिल भी चुके हैं और लगातार ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं। शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान की दीवानगी सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर के लोगों के बीच देखने को मिलती है और उनके फिल्मों में एक्टिंग और गानों की दीवानगी लोगों के बीच सर चढ़कर बोलती है। शायद यही बड़ी वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली इस फीमेल फैन ने शाहरुख खान को चांद का टुकड़ा ही दे डाला। तो हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि शाहरुख खान के लिए उनके फैंस क्या कर सकते हैं। खैर, ये तो हो गई शाहरुख खान की बात। इसी के साथ ही अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो साउथ के जाने माने निर्देशक अटली के साथ एक बड़ा कमबैक कर सकते हैं और फिल्म का टाइटल सनकी बताया जा रहा है। फिलहाल इस बात की कंफर्मेशन अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जिस हिसाब से मीडिया के गलियारों में खबरें देखने और सुनने को मिल रही है उस हिसाब से साफ कहा जाता था कि शाहरुख खान का अगला प्रोजेक्ट अटली के साथ ही होने वाला है।